बताने वाला हूँ कि आप एक्सेल में यूजर फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को देखते ही लास्ट तक, आपको इस वीडियो को कहीं भी कट नहीं करना। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको ये नहीं जान पाएंगे कि इस प्रकार से यूजर फॉर्म बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल की फाइल ओपन कर लेनी है और हमें अपनी एक्सेल सीट है वो फिल ऐड कर लेनी है जो हमें यूजर फॉर्म में रखने हैं। तो हम क्या करते हैं, फिल ऐड कर लेते हैं। जैसे मेरे फिल हैं नेम, फादर नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों मैंने फिल ले लिए हैं, मुझे अपने यूजर फॉर्म में चार फिल रखने हैं। इस फाइल को आपको सेव कर लेना। अगर आप एमएस एक्सेल 2007 और या 7 के बाद का वर्जन यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको मैक्रो को अनेबल करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आपको इस फाइल को माई मैक्रो अनेबल करने से सेव करना होता है। अगर आप 2007 से नीचे का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको मैक्रो को ऑन करना होता है। जैसे कि मेरा ये 2007 वर्जन है एमएस ऑफिस का, तो इसमें मैं फाइल को सेव करूँगा। और फॉर्मेट लेना है मुझको एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्क्स के वर्कबुक, और इसको सेव कर लेते हैं। टेस्ट फाइल के नाम सेव कर देते हैं। सेव। उसके बाद आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना होता है और स्टार्ट मेन्यू जाना कस्टम, यहाँ पे जाना होगा एक्सेल ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपको पॉपुलर में शो डेवलपर टैब पिन लाइक रीजन, इसको ऑन करना होता है। जैसे ही आप अभी मेरे ऑन है, मैं ऑफ कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है। और जैसे मैं यहाँ पर अभी ऑन करूँगा तो यहाँ पर एक टैब आ जाएगा। अभी यहाँ व्यू के बाद कोई टैब नहीं है, तो मैं यहाँ से ऑप्शन में जाता हूँ और इसे ऑन कर लेता हूँ और ओके। तो यहाँ पर मेरा डेवलपमेंट टैब आ गया है, डेवलपर टैब आ गया है। तो अब आपको यहाँ पर आने के बाद विजुअल बेसिक पर क्लिक करना है, या आप कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस F11 की को भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और मेरे सामने ये विजुअल बेसिक एडिटर की विंडो ओपन हो गई है। अब हमें इसके बाद इंसर्ट पर जाना है और यहाँ पर यूजर फॉर्म पर क्लिक करना है। यूजर फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ये यूजर फॉर्म के लिए ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आपको अपना यूजर फॉर्म बना लेना है। अभी इसका नाम यूजर फॉर्म है तो मैं इसी कैरेक्टर को चेंज कर देता हूँ। मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी में कैपेशन कैपेसिटी को चेंज कर देता हूँ। इसको नाम रख देता हूँ मैं यूजर डिटेल। यूजर डिटेल यहाँ पर आ गया। उसके बाद अब मुझे अपने यूजर फॉर्म बना लेना है। मेरे पास टैक्स में टूल बॉक्स ओपन होगा। इस टूल बॉक्स में से मुझे अपने लेबल ले लेने हैं। जैसे मेरा एक लेबल है ये, यहाँ पर आपको वो फिल रख लेना जो आपको वहाँ पर ऐड करना है। जैसे मेरा पहला फिल था नेम, मैं उसको भी यहाँ से नाम भी चेंज कर देता हूँ उसका लेबल का, देता हूँ लेबल नेम। उसके बाद इसका जो फॉन्ट साइज है थोड़ा छोटा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर ये फॉन्ट में फॉन्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। बाई डिफॉल्ट छोटा फॉन्ट आता है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। बॉल कर लेता हूँ, थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया। उसके बाद एक और लेबल ले लेते हैं, फादर्स नेम, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, लेबल को चेंज कर देंगे। इसलिए ताकि मुझे इनको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, फॉन्ट इसको भी चेंज कर देते हैं। और एक
को लेवल लेते हैं, क्योंकि हमें चार फील्ड आई करनी है, चार चार यहाँ पर लेवल लेनी होंगे हमें, तो इस लेवल हमें था ए। इसे स्विचिंग कर लेते हैं इधर के, और यहाँ से इसको स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं, बॉल और स्क्वायर। ओके एक किलो लेना है, लास्ट वाला क्या था हमारा एज, और इसके बाद था हमारा डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर मैं दे देता हूँ। सारे लोग हम यहाँ पर ले लिए, उसके बाद अब करना क्या है, अब हमें यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड करना है, क्योंकि हमें लिखना होगा ना नाम वगैरह, नाम लिखने के लिए चाहिए होगा ये, ठीक ये हमारा नेम का टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम देते हैं टेक्स्ट बॉक्स नेम। उसके बाद इसके लिए भी यहाँ पर टैक्स बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पर एक और टैक्स बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पर पेज लिखे हैं छोटा सा टैक्स बॉक्स, यहाँ पर ये पेज कर देते हैं, इसको ले लेंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए, डेट ऑफ बर्थ ये होगी, ये हमारा ये फॉर्म था फाइल पे क्लियर हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर कमांड बटन भी ऐड करने होते हैं, तो कमांड बटन भी हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कमांड बटन ले लेंगे, एक कमांड बटन यहाँ ऐड कर देते हैं, इसको ऐड देते हैं ना कमांड बटन ऐड, तो इसके यहाँ पर डेट का नाम चेंज कर देते हैं। इसका भी हम इंक्रीज कर देते हैं, छोटा साइज थोड़ा वीक लग रहा है, बहुत कर देते हैं ट्वेल्व कर देते हैं, थ्री या फोर्टीन, ठीक है। थ्री फोर टैक्स बॉक्स यहाँ मिलेंगे, क्लोज इसका फॉन्ट स्टाइल भी हम चेंज कर लेंगे यहाँ पर, ओके इसको नाम का मान मेरा नाम भी चेंज कर लीजिए इसका, तो ये हमारा वीडियो फोन तैयार हो गया है, ऐसे हमारे वीडियो फोन हो। यहाँ से इसमें इनको क्लियर अगर इनको किस टाइप का करो, वीडियो फोन हमारा इस टाइप के यहाँ पे ऐड हो, सेव कर देते हैं उसको। इतना करने के बाद दोस्तों अब आप करना क्या है, अब हम चाहते हैं कि जो यूजर फॉर्म हमारा बना है हम इसमें जो भी फील्ड ऐड करेंगे, जो भी यहाँ पर लिखे हैं वो सारी चीज़ें ऐड पर क्लिक करने के बाद तुरंत हमारे एक्सेल की जो सीटें वहाँ पर ऐड हो जाए, तो इसके लिए हमें एक कोड पेस्ट करना होता है, उस कोड को हमें डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से उस कोड को पेस्ट कर सकते हैं, और उसमें मेरे द्वारा बताया गया कुछ फील्ड्स को चेंज करना होगा आपको, वो बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं, तो देखते हैं दोस्तों कोड कोड क्या है, तो हम कोड को कॉपी कर लेते हैं, ये कोड है, ये आपको डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, आपको वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, और यहाँ पर ऐड वाले बटन पर राइट क्लिक करना है और ब्लू कोड पर जाना है, तो यहाँ पर ये प्राइवेट सर्विस सब्जेक्ट के बाद इसे और एंड सब्जेक्ट के ऊपर ये पेस्ट कर देना है, यहाँ पर ये पेस्ट करने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें कुछ फील्ड्स को चेंज करना है, वो फील्ड क्या है जैसे नेम, फादर नेम, एज, ये सारी चीज़ें चेंज करनी है, अब हम इसको चेंज करते हैं बारी बारी से, इफ प्राइम, अभी हम बारी बारी चेंज कर लेते हैं,
यहाँ पर डाउनलोड ही यहाँ पर प्रोसेस करना किया जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स नेम, उसके बाद ये आप यहाँ पर भी चेंज कर देना टेक्स्ट बॉक्स नेम। उसके बाद यहाँ पर जो इसे कॉपी का डाटा है उसके लिए ये डाटा भी यहाँ पर भी आपको यहाँ पर ये जो देखते हैं इसके अंदर ही इसको चेंज कर देना है। जो टेक्स्ट सबसे पहले आपको नेम ऐड करना है, उसके बाद दूसरा नंबर का आपको ऐड करना है, फादर नेम, उसके बाद तीसरे नंबर का ऐड करना है आपको ब्लॉक एड, और लास्ट में आप ऐड करना चाहते हैं जो टेक्स्ट बॉक्स डेट होगा। सेम आपको यहाँ पर भी चेंज कर लेना है क्लियर डाटा होगा, यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और टेक्स्ट बॉक्स नेम और टेक्स्ट बॉक्स फादर नेम, उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर का डॉट टेक्स्ट बॉक्स एज, और सबसे लास्ट में यहाँ पर डॉट टेक्स्ट बॉक्स डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर आपको चैट बॉक्स में भी एक फील्ड ऐड करना होगा, यहाँ पर आप वो फील्ड ऐड करेंगे जहाँ पर आप चाहते हैं कि अगर आपको ये फील्ड खाली हो जाए तो आपका डाटा फॉर्म में ऐड ना हो, यानी कि ये फील्ड आपको एंटर करना कंपलसरी होगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फील्ड है वो टेक्स्ट बॉक्स ऐड फादर हो जाए और ये हो जाए नेम हो जाए। अगर आप नेम को ऐड नहीं करते हैं, नेम को हम खाली छोड़ देते हैं, तो आपका डाटा फॉर्म में ऐड नहीं होगा, इस तरह से हमारा होगा बंद कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ऐसे ही आपको क्लोज वाले बटन पर भी कमांड ऐड करनी होगी, जब भी आप क्लोज पे क्लिक करें तो आपका क्या कमांड एक्सेप्ट हो, और राइट क्लिक करना है और न्यू कॉल जाना है और यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर आप चाहते हैं कि जब भी आप क्लोज पे क्लिक करें तो आपके भी ये फॉर्म ये बंद हो जाए, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं अनलोड मी। जब भी आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म अनलोड हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, तो भी आप सेव कर देते हैं और जब बंद कर देते हैं। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आप अपनी वापस इस चीट पर आ जाएंगे और आपको यहाँ पर एक बटन ऐड करना होगा, जिसको क्लिक करने के बाद आपका डाटा या जो यूजर फोन हो वो ओपन हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेवलपर टैब में जाएंगे और इंसर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको उठा लेना है और इस तरह से बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम यूजर फॉर एड यूजर फॉर्म लिखा, एड यूजर फॉर्म, यहाँ पर सर्च आ जाएगा और यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यूजर फॉर्म, हमें यहाँ पे क्लिक करनी है, यहाँ पर जो बटन है क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कौन सा फॉर्म हमारा ओपन हो, तो हमारा कौन सा फॉर्म ओपन चाहिए, ये वाला फॉर्म ओपन चाहिए यूजर फॉर्म वन, यहाँ पर यूजर फॉर्म वन डॉट सो हो जाए, सेव कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। तो बस दोस्तों हो गया, इसके बाद यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ मैं, इसका नाम रख देते हैं एड डाटा, फोन भी आप थोड़ा चेंज चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे फोन साइज बना कर देता हूँ। ये मेरा फोन यहाँ पर बटन होगा, जब भी मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरा यूजर फॉर्म ओपन होगा और डाटा यहाँ पे ऐड होगा। मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा यूजर फॉर्म ओपन हो गया है और मेरा जो भी यहाँ पर डाटा क्लिक करूँगा वो आ जाएगा, राजकुमार राजकुमार, फादर नेम श्याम सिंह, एज 25 ईयर, और डेट ऑफ बर्थ ले लिखा हूँ 10/10/1985। देखिए दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर जो लिखा आया था मेरा सारा डाटा यहाँ पर मेरे जो टेबल्स में ऐड हो गया है और यहाँ पर एक मैसेज दिया गया है डाटा एडिंग।
चौकी कर देना। अगर आप और भी गाड़ी यहाँ पर अर्जेंट हैं वो भी एड कर सकते हैं, जैसे मोहन कुमार, राजनीत सिंह, हरी प्रसाद, हरी सिंह, और इस कुंडिया, और दिसंबर 10/12/1990। और मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो मेरा वीडियो फॉर्म बंद हो जाएगा। तो ये दोस्तों था वीडियो फॉर्म बनाने का एक आसान तरीका। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और हमारे आने वाली सभी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि हम कंप्यूटर सपोर्ट से संबंधित वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।